हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो आ गए आज एक नया वीडियो लेके। तो आज एक और एक मजेदार चीज लाए। क्या हम ऐसे 10 वेबसाइट लाए जो आपका वेब डिजाइन में बहुत हेल्प करेगा, जो बिगिनर्स वेबसाइट डिजाइनर है, जो ग्राफिक डिजाइनर है, ये सब में उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा। ऐसा 10 वेबसाइट हम ढूंढ ढूंढ के ले आए। ये सब वेबसाइट यूज करते हैं जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। हम आपको चाहते हैं जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं उस सब का मतलब आप भी सीखे, उससे कैसे काम करता है वो आप भी सीखे, आप भी जल्दी में काम करे एंड आप भी बहुत कुछ सीखे। बट इन सब का एक साइड इफेक्ट भी है। आप इस साइड ज़्यादा यूज करेंगे तो आपका नॉलेज थोड़ा कम हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस सब ज़्यादा यूज मत कीजिए। आप यूज करिए लेकिन आप समझने के लिए यूज करें। आप कोड देखिए कैसे सब किया हुआ है, कैसे डिजाइन किया हुआ है, कैसे लेआउट बना हुआ है, ये सब देखिए। बट खुद से कुछ बनाने के लिए ट्राई कीजिए, आप वहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं अपना, बना के आप आपका क्रिएटिविटी, आप आपका काम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप बहुत ज़्यादा यूज मत कीजिए इस साइट को। आप खुद से कुछ कीजिए तो बहुत अच्छे सीखेंगे। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप अगर आपके पास कोई टीचर्स नहीं है, कोई रिसोर्सेस नहीं है सीखने के लिए, तो आप यहाँ से देख के आप सीख सकते हैं। आप मान लीजिए एक बैनर है, आप देख के डाउनलोड कीजिए बैनर को। आप देखिए कैसा बैनर बनाया, कैसा कोड लिखा, कौन सा जेक्वेरी का कोड लिया है, कौन सा एचटीएमएल का कोड लिखा है, ये सब देखिए। देख के खुद से एक अपना तरीके से बनाए। आप ऐसा ऐसा करके मतलब खुद से कुछ क्रिएटिव बनाइए। इसलिए हम दिए क्योंकि हम मेरे बहुत सारे दोस्त के पास मुझे मैसेज आया है, मुझे कमेंट में आया है, सर सीखना चाहते हैं। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, मैं दिन में हर दिन एक वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है, मेरा घर का काम रहता है, तो बहुत काम होता है मेरे पास, तो हम टाइम नहीं मिलता किसी को हेल्प करने पे। तो जितना हो सके हम हेल्प करते हैं। कोई भी कॉन्फ्यूजन मुझे मैसेज करता है, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत दोस्त मैसेज करता है, सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मेरे फेसबुक पे मैसेज करता है, तो हम जितना हो सके हम हेल्प करते हैं, हम रिप्लाई देते हैं। कोई फाइल अगर मुझे देगा तो उसको एडिट करके देता है, मतलब कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं बोलता हूँ फाइल सेंड करो, तो मुझे मेल पे सेंड करता है, हम सॉल्व करके देते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं, जितना हो सके ट्राई कर रहे हैं। तो आपको भी बोल रहे हैं आप उसे यूज कीजिए लेकिन हद से ज्यादा मत यूज कीजिए, तो आपका नॉलेज कम हो जाएगा। आप खुद से कुछ बनाने के लिए यूज करिए। अभी स्लाइडर देखिए, एक टेस्टिमोनियल वहां पे देखिए, देख के अपनी तरह से एक बनाइए। आप वहां से लॉजिक लीजिए कैसे बनाया, आइडिया लीजिए लेके अपनी तरह से कुछ बनाइए। तो यही होता है डिजाइनर। डिजाइनर खुद से कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बनाता। डिजाइनर 10 तो डिजाइन देख के खुद एक डिजाइन बनाता है। आप भी यही करिए तो आपका माइंड जो है बहुत सारा फ्रेश हो जाएगा। आप देखिएगा जब 10 डिजाइन देखेंगे तो आपके मन अंदर एक ऐसा चीज आएगा, हाँ यहाँ से ये लेंगे, वहां से इसको लेके, वहां से उसको लेके, एक 10 तो डिजाइन से 10 चीज देके एक डिजाइन, अच्छी डिजाइन बन जाएगा। तो ये होता है असली डिजाइनर। ठीक है, तो आपके पास टाइम भी कम लगेगा, आपके पास आइडिया भी, खुद का आइडिया भी आ जाएगा, तो आप क्रिएटिव भी हो जाएंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैंने नया वीडियो दिए थे, प्लीज वो वीडियो फॉलोअप कीजिए। मुझे लगता है आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। हम बहुत सारा टिप्स दिए, 3-4 टिप्स का वीडियो अपलोड किए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लीज चेकआउट कर लीजिए मेरा वीडियो। तो चलते हैं वीडियो पे, चलते पीसी पे एंड देखते कौन सा 10 वेबसाइट है, कौन सा 10 वेबसाइट को हम यूज करके बहुत अच्छा डिजाइन बना सकते हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। चलिए तो आ गए मेरे कंप्यूटर में, तो सॉरी मेरा कंप्यूटर नहीं है, मेरे लैपटॉप है। तो अगले दिन ये वाला वीडियो दिए थे, क्रिएट मल्टीपल स्लाइडर यूजिंग आउट ट्राउजर, मतलब एक कौन सा वीडियो है। तो आप एक वेब पेज में आप
मल्टीपल स्लाइडर यूज कीजिए, एक ओनली आउट क्राउजर से। आउट क्राउजर से हम 4-5 स्लाइडर एक साथ बना सकते हैं एक वेबसाइट में, तो वो हम दिए थे। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आपको ज़रूरत होगा, देखिए। हम तो चलते हैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए, पहला जो वेबसाइट है ये सब ज़्यादातर लोग जानते हैं, dollarschool.com। यहाँ पे आप थियोरिटिकल नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, यहाँ पे कोड तो मिलेगा ही, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा थियोरिटिकल नॉलेज आपको ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट का आप चेकआउट कीजिए एंड सबसे अच्छा तरीके से देखिए कहाँ पे क्या है, कौन सा टैग को क्या बोलता है, कौन सा पैराग्राफ को कैसे लगाए, ऐसे ऐसे आप चेक कर कीजिए यहाँ पे। सेकेंड वन बहुत अच्छा है, बूटस्नैप। यहाँ पे आप कोई भी सेक्शन आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कोई भी सेक्शन आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके आप खुद से एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला एक सेक्शन है, हम क्लिक किया, देखिए आ गया। इसके ऊपर हवर करे तो ये एक्सपैंड हो रहा है। तो ऐसा एक वीडियो मेरे पास भी है, हमने बनाया था एक वीडियो ऐसा, प्लीज़ मेरा वीडियो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ये वाला हमने दिया है, ये वाला वीडियो हम दिए थे ऐसा। तो आ गया इसका कोड, देखिए यहाँ पे HTML है, आप यहाँ से HTML कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे CSS है, CSS कॉपी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा वीडियो बुट्स में, अब यहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा, अब यहाँ पे सर्च करके बहुत कुछ देख सकते हैं। देखिए ये वाला एक प्रोडक्ट शॉपिंग ग्रिड सिस्टम, ग्रिड स्टाइल। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एनिमेशन है। अब यहाँ पे HTML CSS सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हो गया हमारा बूटस्ट्रैप। तीन नंबर जो है jQuery Script.net, यहाँ पे जितना सारा jQuery का कोड, जितना सारा jQuery का फंक्शन होता है सब का ये मिल जाएगा आपको। गैलरी चाहिए, गैलरी पे जाइए, तो मान लीजिए डेमो और भी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, आ गया देखिए गैलरी, आप एक इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये गैलरी है, और मान लीजिए स्लाइडर पे जाएंगे, आ गया स्लाइडर, आ गया डेमो पे गए, देखिए स्लाइडर कितना अच्छा स्लाइडर है। मान लीजिए इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड प्लगइन यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया, डाउनलोड भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं jQuery का। देन जाएंगे बेस्ट jQuery, यहाँ पे भी आप jQuery CSS HTML का बहुत कुछ आप देख सकते, कोड ले सकते। मान लीजिए इसको लेंगे व्यू मॉडल, देखिए कितना अच्छा मॉडल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसका HTML कोड, ये CSS कोड एंड ये JavaScript, तो हम यहाँ से भी बहुत अच्छा कोड ले सकते हैं। इसको मान लीजिए हम किया व्यू, देखिए कितना अच्छा, देखिए एनिमेशन है, तो इसको भी कोड यहाँ से लिए ले सकते हैं, ये CSS है। ये वेबसाइट भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आएंगे HTML कलर, कलर पिकर, ये कलर पिकर स्पीकर का साइड है, देखिए ये जिसका कलर लेना चाहिए वहाँ से आप कलर ले सकते हैं, ये यहाँ से कलर ले सकते हैं, RGB में कलर ले सकते हैं, यहाँ से कलर ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ये कलर के लिए आप बहुत अच्छा, मतलब बेस्ट साइड है कलर पिकर। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा कलर का कोड दिया है, तो प्लीज़ ये भी साइड चेक करिए। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिव चेकर, आप जिस साइट को बनाते हैं वो साइट फुल रिस्पॉन्सिव कभी कभी नहीं होता, तो आपको पता नहीं होता है कौन से मोबाइल पे, कौन सी डिवाइस पे खोल के हम चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए। मान लीजिए हम ट्रिपिक वेबसाइट को लिया, कॉपी किया इसका लिंक, रिस्पॉन्सिव चेकर पे दिए, यहाँ पे सब आपको डिवाइस दे देगा, कौन सा डिवाइस में आपको खोलना चाहिए। देखिए यहाँ से आप कस्टम साइज भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप
आपका डिजाइन मतलब साइज दे दिया है, ये साइज पे आप खोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे रिस्पॉन्सिव चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जीटी मैट्रिक्स। जीटी मैट्रिक्स क्या होता है? एनालाइज योर साइट स्पीड एंड मेक्स इट फास्टर। आप जब कोई नया वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बहुत फास्ट नहीं होता, ठीक है। वेबसाइट में इमेज भारी होता है, जेक्वायरी का कोड होता है बहुत सारा। तो आप अगर यहाँ पे देंगे तो ये आपको एनालाइज करके एक सॉल्यूशन देगा कि ये इसी इमेज को आप ऑप्टिमाइज कीजिए, इसी सीएसएस कोड को ऑप्टिमाइज कीजिए, ये जेक्वायरी कोड को ऑप्टिमाइज कीजिए, तो आपका साइट फास्ट होगा। तो मान लीजिए हम फ्री पिक को यहाँ पे दे रहे हैं, देन एनालिसिस पे जाएंगे। काम कर रहा है अभी, इसका थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मतलब 10-20 सेकंड टाइम लगता है वो उसको एनालिसिस करता है। तो हो गया, देखिए यहाँ पे PSD स्प्रिट बहुत खराब है, बहुत स्लो है, ये मिनिमम 80 के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये वाई स्लो स्कोर ये भी एक होता है, ये बहुत खराब है। फुल्ली लोडेड टाइम 8.7 सेकेंड, ठीक है। आप यहाँ से आप देखिए क्या क्या काम आपको करना है, जो जो रेड वन है उसको तो करना है एंड येलो वन भी करना है, देन ग्रीन वन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो रेड वन भी क्या करना है देखिए, चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है इमेज ऑप्टिमाइज यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे देगा कौन सा इमेज आपको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, और भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके वो इमेज दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज इमेज डाउनलोड कर सकते, ये इमेज कॉपी किया डाउनलोड कीजिए कर लीजिए, यहाँ पे दे देगा बहुत कुछ देगा। तो इस साइट को भी चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ रहा है ये वाला वेबसाइट, यहाँ पे आपको क्या होगा, फ्री HD इमेज मिलेगा, फ्री HD इमेज आपको मिलेगा, कोई अपना वेबसाइट के लिए फ्री इमेज मिल जाएगा, और भी हाई रेजोल्यूशन में। आप जितना वेबसाइट आपको चाहिए आप सर्च कीजिए, आप यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, प्लीज चेक कर लीजिए एंड यूज कीजिए इस सबको। देखिए बहुत सारा वीडियो है, बहुत कुछ है। नेक्स्ट आ रहे हैं रिमूव बिजी। यहाँ पे तो हम आपको दिखा दिए एक वीडियो, हम हमारे पास है, हम दिखा रहे हैं वीडियो, ये वाला वीडियो आप प्लीज चेकआउट कर लीजिए कैसे है। हम ये वीडियो ओनली फॉर ए वेबसाइट के लिए बना है, वो वाला वीडियो हम ओनली फॉर दिस वेबसाइट के लिए बना है, तो प्लीज चेकआउट कर लीजिए क्या होता है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इसमें, क्योंकि हम एक वीडियो बना है, प्लीज उस वीडियो भी चेक कर लीजिए। एंड लास्ट फ्री पिक, हम फ्री पिक के लिए एक वीडियो बना है, प्लीज ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, सेकेंड वाला ये वाला वीडियो आप देख लीजिए। हम लिंक दे रहे हैं ऊपर में, ऊपर आई बटन में हम एक एक वीडियो का ऊपर लिंक दे देंगे, एंड स्क्रीन में भी दे देंगे, प्लीज चेकआउट कर लीजिए। एंड कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ। एंड लाइक कीजिए प्लीज, हम बहुत मेहनत करके एक एक वीडियो बनाते हैं, हम एक वीडियो में आपको नॉलेज देने के लिए ट्राई करते हैं, हम फालतू में कोई वीडियो नहीं बनाते। देखा जितना जितना वीडियो हम बनाए वो वीडियो में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए प्लीज। मुझे अभी भी 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, प्लीज हेल्प कीजिए, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं नया वीडियो में, मिलते हैं नया वीडियो में।